नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका प्रिय यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल क्लास में। आपका इस कड़ा की दोप में हम करेंगे आज जीके में महाजनपद। महाजनपद में हम जनपद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों? एक एक करके हम जनपद ले रहे हैं। महाजनपद का टाइम क्या है? 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। जिसने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है वो पीछे जाके पिछली क्लास देखना। उसमें 16 महाजन के बारे में, महाजनपद क्या होता है, पूरा डिटेल से मैंने लिखाया है। आज हम एक एक करके महाजनपद पढ़ेंगे विद्यार्थियों। चलो तो पढ़ रहे हैं महाजन वजी। एक महाजनपद तो हमने पढ़ लिया, आज हम अंग महाजनपद पढ़ लिया साइड हमने। आज हम ले रहे हैं वजी महाजनपद, फिर पढ़ेंगे हर मल महाज एक सेकेंड विद्यार्थियों सॉरी चलो आगे चल रहे अंग महाजनपद की हमने। आज हम ले रहे हैं वजी महाजनपद। वजी महाजनपद क्या है? इस महाजनपद में राजतंत्रात्मक पद्धति नहीं थी। राजतंत्रात्मक पद्धति नहीं थी, क्या थी? अब फिर तो ये गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। राजतंत्रात्मक नहीं होके क्या है विद्यार्थियों? गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। तो मैंने एक नोट लिखा है, भारत के 16 महाजनपदों में से केवल दो महाजनपदों में गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, जो कि निम्नलिखित है विद्यार्थियों। 16 महाजनपद है भारत में, जिनमें से 14 में क्या था विद्यार्थियों? राजतंत्रात्मक प्रणाली। लेकिन दो में क्या है? गणतंत्रात्मक प्रणाली। कौन कौन से? वजी और मल। वजी और मल दो महाजनतंत्रात्मक है, जिनमें क्या है विद्यार्थियों? गणतंत्रात्मक प्रणाली है। फिर क्या है? इस महाजनपद की विजय में मिथिला दो राजधानियां थी। इस महाजनपद की तो विद्यार्थियों प्रश्न यही आएगा, क्या आएगा? वजी महाजनपद की राजधानी कौन सी है या इनमें से कौन सी नहीं है, ऐसे पूछेंगे। तो कौन कौन सी है? विजय और मिथिला दो राजधानियां किसकी है? वजी महाजनपद की है। फिर क्या है? वजी संघ को मगध के हैरियत वंश के राजा अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिलाया। मगध साम्राज्य क्या है विद्यार्थियों? ये हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। जो पढ़ चुका है उसको तो आ रहा है, लेकिन जो फर्स्ट बार तैयारी कर रहा है उसको समझ में नहीं आएगा मगध राज मगध क्या है, हैरियत वंश क्या है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पिछले ज्यादा समझ में आते जाएंगे। तो क्या है? वजी संघ को, वजी संघ यानी इस वजी महाजनपद को, वजी संघ को मगध के हैरियत मगध के राजा थे, हैरियत वंश के राजा अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिलाया। इसको मगध साम्राज्य में मिला लिया। किसने मिलाया? तो पसंद ऐसा आएगा वजी संघ या वजी महाजनपद को किस कौन से राजा ने मगध में मिलाया? तो किसने मिलाया विद्यार्थियों? अजातशत्रु ने। किसने मिलाया? अजातशत्रु ने। फिर है विद्यार्थियों मल महाजनपद। क्या है मल महाजनपद? एक बीच में मैं आपको बात बता रही हूँ विद्यार्थियों, हर संडे हम करंट की क्लास लेते हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो पीछे जाके मेरे करंट के वीडियो देख लेना। मैं आपको बहुत अच्छे और डिटेल से पढ़ा रही हूँ। हम सीधा ये नहीं पढ़ेंगे 2023 का करंट। हम पहले मैं आप सबको क्या क्या होता है, कौन कौन से पुरस्कार होते हैं, खिलाड़ी कौन सा मिलता है, किसको मिलता है, सब कुछ बताती बताती आगे जाऊंगी। फिर हम पढ़ेंगे 2023 का करंट। तो विद्यार्थियों ये आपको मैं बता रही हूँ, बीच में आप पीछे जाके देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। आगे देखो क्या है मल महाजनपद। क्या है? अंग। कल हमने पढ़ा था अंग महाजनपद, आज एक हमने पढ़ा वजी महाजनपद, अब हम पढ़ेंगे मल महाजनपद। इस महाजनपद में भी गणतंत्रात्मक पद्धति पाई जाती है, ये बात यहाँ मैंने नोट्स में लिखा है, दो में पाई जाती है तो इसमें पाई जाती है। इस महाजनपद की पावा में कुशीनगर दो राजधानियां थी, जिन्हें काकुत था, काकुत था, काकुत नदी है जो इनकी दो राजधानियों को अलग करती है। तो प्रश्न ऐसे आएगा मल महाजनपद की कौन सी दो राजधानियां है, तो विद्यार्थियों कौन कौन सी है? पावा कुशीनार किसकी है? मल की। किसकी है? मल की। इनको अलग कौन करता है? पावा वे कुशीनार को। प्रश्न ऐसे आएगा मल की पावा वे कुशीनार दो राजधानियां है जिसको कौन सी नदी अलग करती है, तो विद्यार्थियों काकुत था नदी है। तो ये मैंने चित्र बनाया, देख लो काकुत था ये नदी, ऐसे करके ये पावा ये कुशीनार इन दो को अलग करके। तो आप सेम टू सेम ऐसे करके इसका नोट्स बनाओ, फिर हम आगे और ले रहे हैं अलग महाजनपद।
अलग यानी इससे अलग, मतलब कहने का मतलब आगे चलेंगे। चलो लिखो, ऊपर हेडिंग आपके गल की लगाई हुई है महाजन पर 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व इनका टाइम है। फिर देखो वजी महाजनपद, इस महाजनपद में राजतंत्रात्मक पद्धति नहीं थी अपितु ये गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। फिर नोट्स लगाना लिखना, भारत के 16 महाजनपदों में से केवल 2 महाजनपदों में गणतंत्रात्मक प्रणाली थी जो कि निम्नलिखित है, मतलब कौन कौन से हैं। एक नंबर लिखना वजी, दो नंबर लिखना मल महाजनपद। फिर आगे की लाइन में लिखना, इस महाजनपद की विदेह में मिथिला 2 राजधानियां थी। फिर आगे की लाइन में लिखना, वजी संघ को मगध के हेरेग वंश के राजा अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिलाया। फिर लिखना मल महाजनपद, इस महाजनपद में भी गणतंत्रात्मक पद्धति पाई जाती थी। फिर लिखना, इस महाजनपद की पावा वे कुशी नारा 2 राजधानियां थी जिन्हें काकुत्था नदी अलग करती है। पावा कुशी नारा अलग करती है, बीच में यह नदी, यह चित्र बना लेना। तो विद्यार्थी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो जल्दी ले लो, फिर आगे चल रहे हैं। चलो आगे चल रहे हैं। देखेंगे विद्यार्थियों काशी महाजनपद, क्या पढ़ेंगे काशी महाजनपद। आगे देखो विद्यार्थियों काशी महाजनपद, क्या पढ़ेंगे हम काशी महाजनपद। तो क्या है, इसकी राजधानी वाराणसी थी जो कि वरुण में 80 नदियों के संगम पर है। वरुण में 80 नदियों के संगम पे है। तो विद्यार्थियों प्रश्न ऐसे आएगा, काशी महाजनपद कौन सी दो
उनकी राजधानी का नाम क्या है, या फिर वरुण वाराणसी है, तो ऐसा काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी कौन सी दो नदियों के संगम पे स्थित है, तो कौन सी है, वरुण एक नदी तो विद्यार्थियों वरुण एक है असी दो नदियों के संगम पे स्थित थी। फिर एक कौशल नरेश कंस ने काशी को अपने साम्राज्य में मिलाया था। कौशल नरेश कंस ने काशी को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, इस कारण कंस को वाराणसी गेहो कहा जाता है। कंस को कहा जाता है वाराणसी गेहो कहा जाता है। तो विद्यार्थी इसमें छोटी सी दो लाइन थी, लिख लो फिर आगे का पढ़ेंगे हम। चलो लिखो इसकी राजधानी वाराणसी थी जो वरुण वे असी नदियों के संगम पे स्थित थी। कौशल नरेश कंस ने काशी को अपने साम्राज्य में मिलाया, इसी कारण कंस को वाराणसी गेहो कहा जाता है। लिख लिया होगा आपने इसमें दो लाइनें बस। Thank you.
विद्यार्थियों, कौशल महाजनपद क्या है? कौशल महाजनपद है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बरेली बदायूं में प्रूखावाद। ये प्रूखा है, ये दिख नहीं रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बरेली बरेली बदायूं में प्रूखावाद में कौशल महाजनपद स्थित है। वर्तमान में, वर्तमान में ये कहा है विद्यार्थियों? उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रूखावाद के कौशल महाजनपद में स्थित है। कौन सा कौशल महाजनपद? कौशल महाजनपद को सरयू नदी उत्तरी कौशल में दक्षिणी कौशल में मारती है। कौन सी नदी? सरयू नदी। कौन सी नदी विद्यार्थियों? सरयू नदी। क्या है कौशल महाजनपद को सरयू नदी उत्तरी कौशल में दक्षिण कौशल मानती है? तो प्रश्न ऐसे आएगा, उत्तरी कौशल में दक्षिण कौशल कौन सी नदी मानती है, या कौशल महाजनपद में कौन सी नदी है? सरयू नदी है। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत में दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौन सी थी? उत्तरी कौशल की। इसकी अलग अलग है विद्यार्थियों, कौशल महाजनपद के उत्तरी कौशल की राजधानी कौन सी है? साकेत। उत्तर में क्या है? साकेत। उत्तर में क्या कर रहे हैं? साकेत। वे दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। श्रावस्ती क्या है? श्रावस्ती है। नोट, महाभारत काल में साकेत को अयोध्या कहा जाने लगा। महाभारत काल में विद्यार्थियों साकेत को क्या कहा जाने लगा? अयोध्या। क्या? अयोध्या कहा जाने लगा। फिर एक कौशल के राजा महाकौशल की पुत्री कौशला देवी से विवाह मगध के राजा बिंबिसार ने किया। किसने किया था विद्यार्थियों? ये देखना, प्रश्न ऐसे आएगा, कौशल के राजा महाकौशल की पुत्री कौशल्या देवी से विवाह कौन से राजा ने किया? तो मगध के राजा बिंबिसार ने किया था। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसी में और लिखेंगे अभी हम आगे। चलो लिखो, लिखना कौशल महाजनपद। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बरेली बदायूं में पुरुखावाद में कौशल महाजनपद स्थित था। फिर लिखना अगली लाइन में, कौशल महाजनपद को सरयू नदी उत्तरी कौशल में दक्षिणी कौशल में मानती है। अगली लाइन में लिखना, उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत में दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। फिर अगली लाइन में नोट्स लगाना और लिखना, महाभारत काल में साकेत को अयोध्या कहा जाने लगा। अगली लाइन में लिखना, कौशल के राजा महाकौशल की पुत्री कौशल्या देवी से विवाह मगध के राजा बिंबिसार ने किया। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसी में और लिखना है। अभी आपने नहीं लिया है तो ले लो, चलो जल्दी। चलो इसी में आगे हम और लिखेंगे कुछ एक लाइन, फिर अगला लेंगे। तो बहुत कड़ाके की सर्दी है, ऐसे हाथ भी जम रहे हैं, काम नहीं दे रहे हैं बोर्ड साफ करने में भी।
इसी में कौशल महाजन पद में एक लाइन मैंने और लिखी है, देखो सॉरी। महाकौशल के पुत्र का नाम प्रसन्न जी था। क्या था? प्रसन्न। आगे देखो विद्यार्थियों, अगला है वत्स महाजनपद। कौन सा? वत्स महाजनपद। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी तथा यहाँ पर पौर वर्ष का राजा उदयन शासन करता था। इसकी राजधानी क्या थी विद्यार्थियों? कौशाम्बी थी तथा यहाँ पर पौर वर्ष का राजा उदयन शासन करता था। फिर क्या है अगली लाइन में? उदयन का विवाह अवंती नरेश चंड प्रद्योत की पुत्री वासवता से हुआ, जिसकी जानकारी भारो द्वारा लिखित ग्रंथ छप्पन वासदाता से मिलती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थियों, फिर आगे और लिखेंगे। चलो कौशल महाजनपद में अभी एक लाइन और लिखो आप। महाकौशल के पुत्र का नाम प्रसन्न जी था, जिसने अपनी पुत्री का विवाह बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु से कराया। अगला महाजनपद लिखना वत्स महाजनपद। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी तथा यहाँ पर पौर वंश के राजा उदयन शासन करता था। उदयन अगली लाइन में लिखना उदयन का विवाह अवंती नरेश चंड प्रद्योत की पुत्री वासवता से हुआ, जिसकी जानकारी